हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महेशम क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में, यानी क्लास 12 के आज हम लोग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम लोग जानेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, Which of the following ores is constituted by the fourth flotation process? हमारे ऑप्शंस है फ्रेंड्स, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, कॉपर प्राइड और बॉक्साइट। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा कॉपर प्राइड। The normality of 0.2 m aqueous solution of a diabasic acid is, हमारे ऑप्शंस है फ्रेंड्स, 0.4 n, बी नंबर ऑप्शंस फ्रेंड्स 0.1 n, 0.8 n एंड नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा 0.4 n, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स, अब हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन इंक्रीजेस व्हेन सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स अंडरगोज, ऑप्शंस आर फ्रेंड्स ए एसोसिएशन, बी डिसोसिएशन, सी बोथ ए एंड बी एंड लास्ट नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डिसोसिएशन। तो फ्रेंड्स, अब हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, इमल्सन इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ, तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन है टू सॉलिड्स, टू लिक्विड्स, टू गैसेस एंड वन सॉलिड एंड वन लिक्विड। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा टू लिक्विड्स, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैसेस इज मोस्ट रिएक्टिव, ऑप्शन नंबर है ए हमारा है फ्रेंड्स एच ई, बी एन ई, सी एक्स ई और डी ए आर। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा एच ई, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स, अब हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स है, द वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ अ रिक्रिएशन कैन बी, ऑप्शंस आर पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स, हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। और अब फ्रेंड्स, हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन है, द एमिनो एसिड आर द इन प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन ऑफ, ऑप्शंस आर लैपेज, फैट्स, प्रोटीन, एंजाइम। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रोटीन। फ्रेंड्स, अब हमारा आठवां नंबर क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज कीप्ड इन वाटर, ऑप्शंस आर ए पी, बी नंबर एन ए, सी नंबर एस, डी नंबर एस आई। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा पी, यानी ऑप्शन नंबर ए। नाइन्थ क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, द मटेरियल यूज्ड इन द सोलर सेल्स कंटेन्स, ऑप्शंस आर ए सी एस, बी एस आई, सी एस एन, डी टी आई। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एस आई। फ्रेंड्स, अब हमारा दसवां नंबर क्वेश्चन है, विटामिन सी इज द कंपाउंड कॉल्ड, ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए रोबोफेल्विन, बी रेबिनोस, सी एस्कॉर्बिक एसिड और डी थायमोमाइन। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स, अब हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मैनी सी एल नेगेटिव आयरन्स आर देयर अराउंड एन ए पॉजिटिव आयरन्स इन एन ए सी एल क्रिस्टल। ऑप्शन से फ्रेंड्स हमारे, ऑप्शन नंबर ए 3, बी 4, सी 6, डी 8। तो फ्रेंड्स, हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 6। फ्रेंड्स, अब हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, अ 1% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल इज एन, ऑप्शंस आर ए एंटीसेप्टिक, बी डिसइंफेक्टेंट, सी एंटी मलेरियल ड्रग एंड डी एंटी हिस्टामाइन। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डिसइंफेक्टेंट। तो फ्रेंड्स, हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, अमोंग द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इज, बेंजलामाइन, बी एनिलाइन, ऑप्शन नंबर सी एस्ट्रिनिलाइन, डी पी नाइट्रोनिलाइन। तो फ्रेंड्स, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बेंजलामाइन। फ्रेंड्स, हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, एसिड क्लोराइड इज रिड्यूस्ड टू एल्डिहाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शंस है रस्ट रिएक्शन, रोज़नवुड रिएक्शन रिडक्शन, फिटिंग रिएक्शन, नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा रोज़नवुड रिडक्शंस। फ्रेंड्स, अब हमारा 15th क्वेश्चन है, द प्रेजेंस ऑफ फ्रैंकलिन डिफेक्ट इन अ क्रिस्टल डैश इट्स डेंसिटी। फ्रेंड्स, ये एक फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है,
चलिए फ्रेंड्स इसका ऑप्शन जानते हैं। ऑप्शन नंबर वन डिक्रीजेस, बी इंक्रीजेस, सी डज नॉट चेंज और डी आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी डज नॉट चेंज। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।